नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है स्टडी 24 में। मैं राजू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 25 अगस्त 2019 को एरिया कोऑर्डिनेटर एसी का एग्ज़ाम हो चुका है सभी शिफ्ट का, और ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं वो है शिफ्ट 4 का। तो यहां पर देख सकते हैं शिफ्ट 4 का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, क्योंकि मैं शिफ्ट 4 में शामिल हुआ था सिर्फ आप लोगों के लिए। मुझे सारे क्वेश्चन का आंसर पता भी नहीं था, मैंने तैयारी नहीं की थी, इसलिए आप लोगों को सारे आंसर मैं नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन हाँ, क्वेश्चन जो मैं दिखा रहा हूँ शायद उससे आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि आप किस तरह से अभी से तैयारी करें ताकि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर आपका पक्का हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा और जहाँ तक हो सकता है आंसर मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और आप लोग अगर एग्ज़ाम दे चुके हैं एसी वाले और जितने भी पोस्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करिएगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन बनाया है। तो उसी के आधार पे मैं आप लोगों के लिए कट ऑफ का वीडियो भी बनाऊंगा, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट कितना में होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कम से कम अपना मार्क्स ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना डील किया है। तो कैसे करेंगे, कमेंट कर दीजिएगा इसी वीडियो में कि पोस्ट लिख दीजिएगा, उसके बाद पोस्ट लिखिएगा और अपना कैटेगरी लिख दीजिएगा कि एससी एसटी ओबीसी जनरल जिस भी कैटेगरी से हैं वो कैटेगरी लिख दीजिएगा, और कितने मार्क्स आपने बनाए हैं, क्वेश्चन कितना बनाया है सही सही वो आपको लिख देना है। तो मैं उसके बाद आपके लिए जो है कट ऑफ का वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और चलिए प्रश्न संख्या एक देख लीजिए, जो है कि पूछा गया था शिफ्ट 4 में 25 अगस्त को। तो ये है प्रश्न संख्या एक, ये सीरियली नहीं है, जहाँ तहाँ से है, मैंने जो मुझे याद था मैंने लिखने का कोशिश किया है, लेकिन जो भी लिखा हूँ सही है। ठीक है, तो पहला जो देख लेते हैं, ये पहला में मैंने जो लिखा है वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लागू हुआ था। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लागू हुआ था ये पूछा गया था। तो दोस्तों मैं बता दूँ, ये मुझे कन्फर्म है, इसका आंसर जो है वो है 2002। पहली बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1986 में लागू की गई थी, 1985 में लागू की गई थी, उसे संशोधित करके 2002 में पूर्ण रूप से लागू किया गया है। और चलिए देखते हैं दूसरा जो है, द्वितीयक पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था। तो सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसमें किस तरह के मशीनों का प्रयोग किया गया था। तो वो है, पहला था ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब या फिर आईसी, किसका प्रयोग किया गया था यही पूछ रहा था। तो मैं कंफर्म नहीं हूँ इसमें, लेकिन आंसर जो है वो हो सकता है ये है ट्रांजिस्टर, क्योंकि प्रथम बार तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, और थर्ड में आईसी का जो है उपयोग किया गया था, और अभी तक आईसी का उपयोग किया जा रहा है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2-3 में मैंने लिखा है वो है, वेबसाइट पर जाने वाले यूजर की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया गया है। तो ये बताना है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन में ये सब था, इस पूरे ऑप्शन मुझे याद नहीं थे, लेकिन ये कन्फर्म है और ये कन्फर्म है, ये भी कन्फर्म है, ये था कि नहीं थोड़ा सा मुझे कन्फर्म नहीं है, ये ऑप्शन था कि नहीं, लेकिन इससे संबंधित कुछ तो था, इसीलिए मैंने इसे डाल दिया है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो आंसर लगाया था वो बता देता हूँ आपको, URL मैंने डाला था। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये है, कंप्यूटर में अनाधिकृत प्रवेश रोकने के लिए तैयार किया गया है क्या। एक था फायरबॉल, और दूसरा था साइडबॉल, और तीसरा था इनसाइडबॉल, और चौथा में था जो ए और बी दोनों। तो दोस्तों अगर आप सॉरी मैं बताना भूल गया कि जो है परीक्षा जो है नेगेटिव मार्किंग की नहीं है, तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, और तो इसका आंसर देख लिए होंगे आप लोग, कंप्यूटर में अनाधिकृत प्रवेश रोकने के लिए तैयार किया गया है क्या, तो इसका आंसर जो है फायरबॉल होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, देखिए द्वितीयक मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी किसका उदाहरण है, इसका ऑप्शन मैं भूल गया हूँ इसलिए नहीं लिखा हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, XYZ का उम्र जो है 96 वर्ष है वर्तमान में,
तो 2 साल पहले उम्र का औसत बताना था। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए थोड़ा सा, ये देखिए ऑप्शन है, तो इससे तो आप लोग आसानी से बना दीजिएगा, मैंने भी बनाया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है, PIA का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों फुल फॉर्म जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि फुल फॉर्म से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैं भी आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा, जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का एग्ज़ाम होगा उनके लिए मैं लेकर आऊँगा फुल फॉर्म का वीडियो। तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चलिए इसका जो PIA का फुल फॉर्म है, जहाँ तक मैंने है इस वीडियो में लिख दिया है, देख लीजिए, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होता है, ठीक है। और 8वां में देख लीजिए, चर्चित व्यक्ति सुदर्शन पटनायक कौन है? ये भी बहुत चर्चित क्वेश्चन है, ये करंट से था, इनको पद्म श्री पुरस्कार भी मिला है। तो ये एक थे रेत कलाकार हैं, तो कला रेत कलाकार का ऑप्शन नहीं था, सिर्फ कलाकार था, तो मैंने इसमें लगा दिया है। और चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, VHSNC में कितने सदस्य हो सकते हैं, यानी विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों इसका मैं कंफर्म नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी 15 लगा दिया है। अगर कितना होता है ये मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे पता नहीं था, मैंने 15 लगा दिया है, नेगेटिव नहीं था इसलिए मैंने लगा दिया है। चलिए तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मैंने सही लगाया है या गलत लगाया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ये दोस्तों फुल फॉर्म मैंने लिखा है, क्योंकि फुल फॉर्म तो आप लोग ज़रूर पूछते कि भी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ज़रूर बताइएगा। तो ये है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में क्या सत्य है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन, देख लीजिए, चलिए देख लिए होंगे आप लोग, नेक्स्ट चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर देखिए 11, MEDP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये भी मैंने लिख दिया है, सारे जो फुल फॉर्म है मैंने लिखने की कोशिश की है, लिख दिया हूँ, देख लीजिए आप लोग, माइक्रो इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, ठीक है। और 12 में देख लीजिए, नदी का क्षरण किस आकृति को जन्म देता है? तो इसमें क्या होगा सही आंसर, आप लोग जरूर बताइएगा। हाँ, अब मैंने तो आंसर भी लगाया है, भी आकार का डेल्टा, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 13, NSDC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों जीविका भी धोखा दे दी है, क्योंकि पूछा गया था कि सोशल जीके पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ संविधान भी पूछ दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन जो था हल्का था, ठीक है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी है, 356। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, NIF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेस्कॉम इंटरफेस फैसिलिटी। ये शिफ्ट शिफ्ट 3 में भी पूछा गया था और शिफ्ट 4 में भी पूछा गया था, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, ये है 16 नंबर, भारत सरकार ने शहरों एवं गांवों के लिए स्वच्छता अभियान के तहत कौन सा स्वच्छता पुरस्कार देती है? तो इसका ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत में कितने तटीय राज्य हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं? तो यह है ऑप्शन, बता दीजिएगा। तो दोस्तों जितने भी मैंने जीविका के वीडियो डाले हैं क्वेश्चन आंसर, तो उनमें से लगभग हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये भी वीडियो जितने भी मैंने डाला है उसे देख लीजिएगा, आप लोगों को भी कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। और ये देखिए, HRF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। और 19 नंबर, भारत में संसद किससे बनती है? तो भारत में संसद जो है, संसद के कितने अंग हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका आंसर जो था इनमें से सभी। और क्वेश्चन नंबर ये देखिए 20, CSR का पूरा विस्तार क्या है? तो इस यानी फुल फॉर्म क्या है? तो ये है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
और क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कम्युनिटी मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो मैंने लगाया है कार्ल मार्क्स, ये यहाँ पे टाइपिंग में गलती है, कार्ल मार्क्स है ऑप्शन में, ठीक है। और ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है हमारे वीडियो में पहले भी था, डाला गया था इस, तो ये इसका फुल फॉर्म नहीं बताया गया था, लेकिन ये किससे संबंधित है इसके बारे में बताया गया था, ठीक है। और RSETI का फुल फॉर्म जो होता है ये है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और इसका भी फुल फॉर्म देखिए MLE का पूर्ण रूप क्या होगा, तो ये मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं लिखा है। और नेक्स्ट, ये मैथ से था, ये भी आसान था, तो इसको निकालना था कि 15 लाख है, एक बिल्डिंग की लागत कीमत 15 लाख है, जिसकी कीमत हर साल 9% गिर जाती है, तो 2 वर्ष के बाद इसका लागत कीमत क्या होगा, तो ये बताना था। और ये है इसरो, ये करंट अफेयर्स था, तो करंट अफेयर्स भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग, जैसे चंद्रयान से जुड़े हुए क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया था इसरो के प्रमुख कौन है, तो इसरो के प्रमुख जो है डॉक्टर के सिवान है। तो चंद्रयान दो से अगर क्वेश्चन आपको पढ़ना है, तो मैंने चंद्रयान दो से संबंधित कुछ क्वेश्चन डाले हैं, उसको भी वीडियो को सर्च करके देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 26 नंबर, पीड़ित एवं कमजोर बच्चियों के पोषण से संबंधित जो SC ST OBC वर्ग से संबंधित थे के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन मैं भूल गया इसलिए नहीं लिखा हूँ, ठीक है। तो उसका नाम जो है अब बदल कर क्या कर दिया गया है, तो ये मुझे कन्फर्म था सबला किया गया है, लेकिन पहले क्या था ये मुझे याद नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एक प्रश्न माध्यिका निकालने का भी था, माध्यिका मैथमेटिक्स से माध्यिका निकालने का था, और साइंस से देखिए 2 क्वेश्चन था, पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है, तो वो ग्रेफाइट शीशा का। और 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब श्वेत प्रकाश किसी शीशे के प्रिज्म से गुजरती है, तो उसमें से कितने रंग निकलते हैं, तो ये तो सभी जानते हैं 7 रंग निकलते हैं। और परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था। और जीविका से जुड़ी सभी बातों को जानने के लिए Study24 को सब्सक्राइब कर लें, और मैं मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसका PDF चाहिए तो मैं PDF डाल दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। और तब तक के लिए मैं मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।